जिस इंसान ने अगर एक बार ठान लिया है ना कि यार आई नीड टू क्रैक दिस अटेम्प्ट, आई हैव टू क्रैक दिस अटेम्प्ट, जिस इंसान ने फैसला कर लिया है ना, तो उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पूरा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ दिमाग से चलता है। सो जस्ट हैव अ वेरी सिंसियर थॉट दैट आई एम गोइंग टू हैव दिस एग्जाम क्लियर्ड एट एनी कॉस्ट, एंड यू सी थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। सो यू जस्ट नीड टू मेक अप योर माइंड, मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेलना है। चीज़ें आसान हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव ऑल द बुक्स। एंड सबसे अच्छी चीज़ पता है आपको, अपने सी एस एग्जाम में बच्चों जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये है, यू नो द सिलेबस। अनलाइक यू पी एस सी व्हेन देर इज नो सिलेबस, व्हेन देर इज नो सिलेबस आई मीन टू से लाइक करंट अफेयर, मतलब दुनिया का कौन सा करंट अफेयर, सूरीनाम नाम के देश की कैपिटल में 10 दिन पहले दंगा हुआ, उस दंगे में कितने लोग मरे, अपने को तो ये भी नहीं पता कि सूरीनाम नाम का देश है भी या नहीं है। तो ये सिलेबस है यूपीएससी का, समझ में आ रहा है? सो आपका सिलेबस ऐसा है बच्चों, आपका सिलेबस ऐसा है, यू नो कि यार ये बुक है, मुझे यहीं से इंस्टीट्यूट जो पूछेगी वो यहीं से पूछने वाली है। सो जब आपको पता है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, तो मैं क्यों ना अपना पूरा एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी उस बुक में डाल दूं, रादर देन वेस्टिंग माई टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी है, विक्रम वेदा फ्लॉप हो गई है, यू नो कोई फेस्टिवल आने वाला है या कुछ भी, मैं अपनी एनर्जी वहां पे क्यों दे रहा हूं? अगर मैं अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा कर लूं, एक सारी एनर्जी को अगर मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा करके डाल दूं उसको अपनी बुक में, मैं क्यों क्लियर नहीं कर सकता यार? यू जस्ट हैव टू स्टडी दैट पर्टिकुलर बुक। अगर आपकी क्लास के नोट्स हैं तो मतलब नोट्स अगर आपके पास हैं तो वो आईसीएसई की मॉड्यूल का भी 50% ही होता है नोट्स में, आप सबको पता है, अपने अपने टीचर्स जो हैं वो उसको समराइज करके बताते हैं। तो बच्चों इतना सिंपल सा एग्जाम है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को दुनिया से अलग कर दो बच्चों, सन्यासी बन जाओ, किसी से बात नहीं करना, गुमसुम रहना है साले को, मजे से पढ़ाई करनी, पढ़ाई के साथ प्यार कर लो, पढ़ाई को अपनी गर्लफ्रेंड, पढ़ाई को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। कैसे क्लियर नहीं होगे बच्चों, कैसे क्लियर नहीं होगे? हमारी प्रायोरिटीज आज की तारीख में ना बदल गई हैं, वी हैव गिवन, हमने कुछ और चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है। एक बार पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओ, एक बार पढ़ाई से इश्क करके देखो, और ये इश्क ऐसा है ना कि ये बेवफाई नहीं करता बच्चों, हो सकता है टाइम लग सकता है बट बेवफाई नहीं कर सकता। सो प्लीज़ बच्चों, बस ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, लाइफ में यू विल डू समथिंग ग्रेट, मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। हिम्मत मत हारो बच्चों, हिम्मत मत हारो, थको मत, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो कि अगर मैंने आज 12 घंटे की पढ़ाई की थी, अगर आज मैंने दुष्यंत सर का टाइम टेबल फॉलो किया, तो और ये जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया है, सुनो बे, ये जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया है, इस टाइम टेबल को बिल्कुल चिपका के अपने डेस्क पे लगा लो, और एक एक दिन लगा लो कि हाँ भाई इस डेट को मैंने टाइम टेबल कंप्लाई किया है, इस डेट को कंप्लाई किया। आई एम अ हीरो, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम अ सुपर स्टार, ऐसा बोलो भाई। टारगेट जिस दिन कंप्लीट होता है ना, अपने आपको बढ़िया एक कैडबरी का चॉकलेट खिलाओ, सॉरी उसमें बहुत फैट होता है, आप अपने आप को एक हल्दीराम का पीनट का पैकेट गिफ्ट करो, प्रोटीन होता है, काम आएगा, पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ाई करोगे ज़्यादा रिटेंशन रहेगा, ठीक है? सो अगर ऐसा करोगे तो दैट वुड बी ग्रेट बच्चों, दैट वुड बी ग्रेट। हाँ जी, और कोई है किसी का दर्द?